सर पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल के साथ। सर आप बताइए, अभी मौसम परसों आपने जैसे पेशेंट को यही थे मौसम खराब रहेगा, लेकिन वैसा हुआ भी, अब आने वाले दिनों में क्या मौसम का हाल रहने वाला है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी एक स्पेल, मेजर स्पेल जो है, खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी, और मैदानी इलाकों के अंदर भी मॉडरेट टू हैवी बारिशें रही अमूमन। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग इफेक्ट करेगा जम्मू कश्मीर इन एडजॉइनिंग एरियाज़ को, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांसेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एट फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस के अंदर। और कोई हैवी स्पेल के चांसेस नहीं हैं, खासकर 27-28 को। फिर 29 को भी जो है वेदर थोड़ा सा अबरालूद बना रहेगा, कुछ एक जगहों पे लाइट रेन स्नो थोड़ा सा होने के इम्कान हैं। फिर उसके बाद जो है 1st, 2nd, 3rd मार्च के बीच में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिसमें लाइट टू मॉडरेट बारिशें, बर्फबारी एट फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड प्लेसेस के अंदर होने के चांसेस हैं। और मौसम जो है फिलहाल खासकर 27 के बाद जो है थोड़ा सा वेट स्पेल रहेगा, लेकिन कोई हैवी स्नो ऐसे कोई पेशेंगोई नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन कमिंग डेज में इसमें और बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है एक वेट स्पेल जो है इंटरमीटेंटली चलता रहेगा लगभग 3-4 मार्च तक, खासकर 27 फरवरी से लेकर। सर सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे हम। सर परसों जैसे कि देखा जाए देखा गया सोनमोग में भी स्नो स्टॉर्म देखने को मिला जी, या अगर स्नेगर की बात करें तेज हवाएं चली थी, काफी डैमेज हो, इसके क्या रीजन थे? इसका देखो, आपका प्रेशर फॉल काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 8 to 10 HPA हेक्टा पास्कल या मिली बार जो भी कहेंगे, तो लगभग 10 मिली बार का प्रेशर ड्रॉप था पूरे स्टेशन के अंदर। तो जब भी प्रेशर ड्रॉप आपका होता है तो जो एडजॉइनिंग हाई प्रेशर एरियाज से जो है आपका उस प्रेशर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिलअप करने के लिए फिर उसी की वजह से जो है हवाएँ चलती हैं। तो अभी कमिंग डेज में भी खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं, हेल स्टॉर्म, थोड़ा गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं खासकर 27-28 के आसपास। बाकी यहाँ चांसेस कम हैं, और कोई मेजर स्पेल जो अभी हुआ 17 से लेकर 21 तक वैसा कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन अलबत्ता बारिशें, बर्फबारी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी तक हो सकती है अक्रॉस मनी स्टेशन। तो सर अगर देखे तो सर्दियाँ भी बढ़ी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, आगे के आने वाले दिनों में टेम्परेचर का क्या हाल रहेगा? अभी देखो, कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर आज -10 तक भी चला गया, खासकर गुलमर्ग के अंदर, या पहलगाम की बात करेंगे -7, -8 के आसपास था। तो कमिंग डेज में भी फिलहाल हिल स्टेशन के अंदर इसी ट्रेंड्स में रहेंगे, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी नेक्स्ट 1-2 दिन थोड़ा सा ठंड रह सकता है। बाकी अब ये फरवरी जो है हम पहुँच चुके हैं, फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो इसी बीच जो है आपका ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा मैक्सिमम टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी मैदानी इलाकों के अंदर। सर मार्च का क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा ऐसे ही? मार्च का देखो, अभी 1st वीक ऑफ मार्च अमूमन थोड़ा सा वेट रहने के चांसेस हैं, 2nd वीक में भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है लाइट रेन स्नो कुछ एक जो दिखा रहे हैं मॉडल्स। तो ओवरऑल जो है मार्च जैसे यहाँ पे वन ऑफ द वेटेस्ट मंथ कहा जाता है कश्मीर वैली के अंदर, तो इस बार लगता है कि मार्च में जो है थोड़ा बारिशें, बर्फबारी हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर।